शुरू किया जाए। ठीक, क्या पढ़ना है? भूकंप ना। देखिए भूकंप पहले क्या है समझ लीजिए, पृथ्वी में अचानक अनावश्यक रूप से क्या होता है, कंपन होने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोग भूकंप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेंगे। देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर लगभग मतलब 100 किलोमीटर नीचे क्षेत्र में जो लिक्विडीय पदार्थ पाया जाता है, कितना पृथ्वी के अंदर लिक्विडीय प्लेट के रूप में पाया जाता है, कैसे रूप में? प्लेट के रूप में पाया जाता है, लगभग 100 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये प्लेटें क्या जब आपस में गति करते हैं इसी क्रम में क्या होता है, भूकंप आता है या ज्वालामुखी होता है या पर्वत का निर्माण होता है ना। देखिए इनमें कैसा कैसा गति होता है, प्लेटीय गति देखिए, ये हमारा गति जो है प्लेट मान लेंगे इसको, ये तरल रूप में आता है, कैसा होता है? तरल रूप में, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है। ठीक है, इस गति को क्या बोलेंगे? रूपांतरित गति बोल सकते हैं। ठीक है, रूपांतरण गति। ठीक है, दूसरा ऐसा होता है एक इधर जाता है और ये इधर जाता है, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी गति। अपसारी गति। ठीक है, अपसारी गति। तीसरा होता है और अधिनिर्णय गतियां होता है, लेकिन जो मुख्य पढ़ना है उसको हम लोग अपसारी गति। इसमें क्या होता है बदलना, तो जो हमारा क्या होती है प्लेट एक दूसरे की ओर जाता है। ठीक है, एक दूसरे की ओर जाता है तो आपस में चढ़ जाता है। ठीक है, देखिए रूपांतरण गति से क्या होता है, जब ऊपर आता है और नीचे जाता है, एक प्लेट ऊपर आता है एक नीचे जाता है, इससे भूकंप आता है। क्या आता है? इससे भूकंप, भूकंप आता है। ठीक है, और जो अपसारी गति है इससे क्या होता है? ज्वालामुखी। क्या होता है इससे? ज्वालामुखी आता है। ठीक है, इसे ज्वालामुखी। ऐसे क्या होता है पर्वत या पठार का निर्माण होता है, इससे पर्वत और पठार का निर्माण होता है। ठीक है, पलर पांद्रा गति इससे क्या होता है? भूकंप आता है। अपसारी गति से ज्वालामुखी आता है और लास्ट पर्वत या पठार का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए कुछ और से देखते हैं भूकंप के बारे में और क्या क्या कहा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको बना लेते हैं, बना लीजिएगा टाइम देंगे। देखिए जो पृथ्वी है सबसे पहले जहाँ भूकंप यहाँ उत्पन्न होता है, कहीं होता है मतलब जहाँ भी हो उसको क्या बोला जाता है? भूकंप केंद्र। इसे भूकंप जहाँ सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जहाँ से भूकंप शुरू होता है, भूकंप ठीक है, उसमें बोलते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र या मुख्य केंद्र या फोकस भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए जहाँ सबसे पहले महसूस होता है, महसूस करते हैं, जहाँ सबसे पहले अनुभव करते हैं, जैसे पृथ्वी के ऊपर अनुभव करेंगे भूकंप आया, उसको क्या बोला जाता है? अधिक केंद्र। क्या बोला जाता है? अधिक केंद्र। जहां सबसे पहले भूकंप शुरू, जहां से भूकंप शुरू होता है उसको भूकंप केंद्र, और जहां सबसे पहले महसूस करते हैं उसको अधिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए भूकंप कैसा होता है, धीरे 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 भूकंप का मान क्या होता है, फैलते जाता है, अपना प्रसारित होते जाता है। भूकंप पर बहुत ज्यादा इतना पृथ्वी दूर होगा ना, धीरे धीरे क्या होता है, फैलता जाता है। देखिए सबसे पहले आप लोग भूकंप के बारे में क्या अध्ययन को क्या कहते हैं, भूकंप के अध्ययन को मालूम है? सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मो
टेक्टोनोलॉजी, भूकंप का धर को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और क्या होता है भूकंप का धर को सिस्मोलॉजी, उसके बाद जिससे भूकंप मापते हैं उसको क्या बोला जाता है, जिससे भूकंप मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ। हाँ। नहीं लिखवा है सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप मापन को सिस्मोग्राफ। या जो भूकंप का तीव्रता होता है तीव्रता उसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है। क्या होता है तीव्रता, देखिए अब इसमें ज्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, भूकंप जिससे मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ, जैसे उसकी तीव्रता जब आ जाएगा तो रिएक्टर स्केल। देखिए अब ये तीव्रता क्या होता है, सबसे भूकंप हमारे कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, कितना तीन प्रकार का। पहला होता है प्राथमिक, प्राथमिक वेव यानी कि प्राइमरी वेव लीज लिख सकते हैं इसको, प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग या तरंग लिख सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक तरंग। इसको क्या बोलते हैं पी वेव, पी से सूचित करते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा द्वितीय सेकेंडरी ना, द्वितीय तरंग इसको सेकेंडरी वेव के नाम से जाना जाता है ना। तीसरा जो होता है क्या होता है एल तरंग है, क्या होता है एल तरंग है, जिसको लॉब वॉल मतलब से नाम से भी जानते हैं, क्या होता है एल ओ वी हो जाएगा आपका लॉब वेव, वेव वेव लॉब वेव एल के नाम से जाना जाता है लॉब वेव, क्योंकि लॉब महोदय ने क्या इस तरंग के बारे में बताया था, इसलिए लॉब वेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा प्राथमिक तरंग है इसकी गति कितनी होती है, जो प्राथमिक तरंग होती है सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले आता है प्राथमिक तरंग, इसलिए आता है 8 किलोमीटर, कितना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इधर से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो सेकेंडरी होती है, देखिए यही वो तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, कौन सा तरंग प्राथमिक तरंग, क्वेश्चन है कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, तो क्या कहेंगे प्राथमिक तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, बाकी ये एस तरंगे और एल तरंगे नहीं गुजरती है, देखिए एस तरंगे बताएंगे। दूसरा आता है एस तरंगे, ये कितना 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आती है। तीसरा क्या होता है ये आता है लगभग कितना आपका 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से, ये सबसे बाद में आता है, ठीक है, ये सबसे बाद में आता है, क्या होता है सबसे विनाशकारी, सबसे अधिक विनाशकारी, अधिक विनाशकारी कौन सी तरंग है, क्वेश्चन आता है हमेशा सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, तो ज्यादा लोग ध्यान आता है जिसका वेग अधिक है ये लगाएंगे, लेकिन क्या होता है लास्ट में तरंग है वो सबसे अधिक विनाशकारी तरंग बोला जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, देखिए एक और बात है, जो प्लेट के सिद्धांत दिया था इसको किसने दिया था, बेगनर महोदय ने, किसने दिया था प्लेट सिद्धांत, बेगनर महोदय, बेगनर महोदय ने प्लेट के सिद्धांत के बारे में दिया था, ठीक है। इधर देख लेते हैं, अब ज्वालामुखी भी देख लिया जाए, ज्वालामुखी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है।